cause I got the heart. Hey guys, welcome back to our channel. और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा छोटी सी एक ट्रिप कह सकते हैं या फिर कुछ काम से, तो सोचा उसका एक ब्लॉग बना लें कि हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव और वहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम है वो करके और फिर आज ही वापस आना है. हरियाणा की ट्रिप होने वाली है, आज ही रात को वापस आना है, तो एक छोटी सी ट्रिप होगी तो उसका हम एक व्लॉग बना रहे हैं. अराउंड 500 और 600 किलोमीटर. हाँ, 500-600 किलोमीटर का एक थोड़ा सा रहेगा. निकल गए हम लोग और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार आज. मतलब सुबह जल्दी निकलना था 6 बजे के आसपास. परंपरा के अनुसार हमें 4 बजे निकल जाना चाहिए था. 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे निकल जाना था. हमने जो सोच के सोए थे 6 बजे निकलेंगे, लेकिन अलार्म सबने लगाई थी लेकिन उठा कोई भी नहीं और हमें जाना है हिसार. फ्यूल स्टेशन पे रुके थे गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए और टंकी खोला अपनी और अभी निकलते हैं मस्त, क्योंकि अभी आज तो हम जा रहे हैं गाँव. उसके बाद में एक और ट्रिप होएगी तो उसका भी ब्लॉग आएगा. बस यही चल रहा है अभी. ये हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं और ये भी है शील ड्राइव. कुछ कहना चाहेंगे आप कैमरा को? लाइक कर दो वीडियो को. तो बच्चे ने कहा लाइक कर देना वीडियो को, तो आप लाइक जरूर करना वीडियो को. लुक एट दिस, हाउ क्यूट शी इज. क्यूटी पेटूटी, शी इज सो क्यूट. ओके, साइनिंग ऑफ. तो अभी दिल्ली एग्जिट कर लिया हमने, हरियाणा में घुस चुके हैं बहादुरगढ़ बाईपास. हमारे साथ बच्चे हैं ना तो हम उनके साथ थोड़ा मस्ती करते हुए जा रहे हैं, तो सही है, सही ट्रिप निकल रही है. 1 घंटे 40 मिनट का रास्ता अभी बाकी है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जहाँ हमें जाना है उधर से. अभी शायद चाय पीने के लिए कहीं पर रुकेंगे, मनसा हो रहा थोड़ा चाय पीने का. थोड़ी सी ठंड है ना इस करके. अभी यहाँ पे वेदर भी अच्छा है थोड़ा. ब्रेक के लिए और यहाँ पे अभी कुछ चाय वगैरह पी रहे हैं, चाय पीनी है. थोड़ी सी भूख लगी तो पराठे खा लेंगे. ये खेत के अंदर है, थोड़ा छोटा सा ढाबा है. एक बच्चों के साथ खेल रहे हैं, थोड़ा मस्ती कर रहे हैं. ये तू क्या पी रही है, क्या पी रही है तू बता, क्या पी रही है? जूस. जूस, कौन सा जूस? ऑरेंज. ये ऑरेंज ही नहीं है, मैंगो है. इसको ऑरेंज और मैंगो में फ़र्क भी नहीं पता. और इसको देखो, ये मस्त एकदम सो रही है अपना. डन विद द ब्रेक और अभी धूप हो गई है काफ़ी. गर्मी तो नहीं है, काफ़ी प्लेजेंट है वेदर तो, बट धूप है. धूप है, धूप चुभती है वो तो. हम सोचे थे अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके खाना खाएंगे घर का, लेकिन यहाँ के पराठे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग गए तो यहीं पे हमने पेट भर लिया. बटर वटर मार के खा लिया अब, कुछ पेट भर के खा लिया. मेरे ऐप्स थे वो जरा थोड़े डाउन हो गए अभी. मजाक अच्छा करते भाई. 8 पैक थे ऐप्स. तो अभी निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ फटाक से, जल्दी से पहुंचते हैं. और लगभग एक घंटा लगेगा यहाँ से. 90 किलोमीटर है जहाँ जा रहे हैं वहाँ से. और अब आएगी नींद क्योंकि पराठे खा लिए भर के एकदम. तो आज देखते रहिए वीडियो को आगे तक. सो वी आर फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. हमारे खेत में पहुंच गए हम और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी हवा लग रही है, काफ़ी सुकून है यहाँ पे. सांस आ रही है, सांस अच्छी, पार्टिकल्स कण कण नहीं आ रहे हैं सांस के साथ. ये देखिए डस्ट पार्टिकल नहीं. अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हैं, फिर वापस जाना है काम से आए थे. आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे पीछे काफ़ी पूरी दूर दूर तक खेत है, साइड में एक बहुत बड़ी सी नहर है, आपको वो भी दिखाऊँगा अभी. हो तो देखते रहिए.
अभी एक वो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उसके अंदर एक बहुत ही फनी सीन हो गया। अभी आप देख भी आगे देखना, उसमें वो वाला सीन आया, बहुत ही फनी मोमेंट था, वो भाई के साथ हुआ। झंड हो गई यार। बाकी तो यार आप खेत देखो यार, इतना जो वाह नजारे नजारे। जिंदगी तो असली गांव में है, शहर में तो बस आदमी दुखी होता है, बस मजबूरी के कारण रह रहा है। जहाँ पे हम रुके हुए थे वहां से हम निकल चुके हैं, काफी दूर आ गए वहां से। वो बुलेट वाला जो एरिया था वो बुलेट गई और हम वापस आ गए हमारी गाड़ी में, हमारी मारुति 800 में। तो जी बात ये है, हमने एक स्टॉप लिया था, वो स्टॉप गया, दूसरे स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से एक पिकअप है, एक पैकेज उठाना है, उस पैकेज को उठा के वापस दिल्ली जाएंगे। आज की आज ही भाई सेल्फी ले रहा है लड़की के साथ। अरे लड़के खुश है यार, लड़का खुश है। वो देखो ये लड़की के साथ में जो लड़का बैठा था सेल्फी ले रहा था, ये खुश है भाई, और वो एक फोटो लेके स्माइल कर रहा था भाई, खुश है, मतलब ये ब्लश कर गया एकदम से, दांत आए थे बत्ती से बाहर आ गए। बुलेट के ऊपर कर रहे थे कारीगरी कुछ। हाँ हम तो जो वहाँ पे दो बंदे आए स्पेशली बाइक से जा रहे थे, उतर के साथ में बैठे कैमरे के, तो पूछ रहे भैया कौन से गाने की शूटिंग हो रही है। सो गाइस वी आर हेयर, हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं, तो अराउंड 10-11 बजे हम डेली पहुँच जाएंगे, होपफुली पहले पहुँच जाए, हमारी 500 किलोमीटर की ट्रिप हो जाएगी अराउंड। अभी 200 की यहाँ से 200 किलोमीटर डेली पड़ेगा, सीधे डेली जाएंगे बिना कहीं रुके हुए। ये हम खेतों के अंदर थोड़े हैं यहाँ पे, जो कि अभी फसल वसल कटी हुई है, नहीं है फसल। सो गाइस अभी हम निकल गए हैं घर के लिए, लगभग 6 बज रहे हैं। तो अभी जो है 4 घंटे का रास्ता, 233 किलोमीटर है यहाँ से। गाइस अभी बज रहे हैं 9 और हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर के अंदर में 1 घंटा लगेगा, 3 घंटे 200 किलोमीटर। तो अभी हम निकले सिग्नेचर ब्रिज से, वापस पहुँच चुके ऑलमोस्ट। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा ना जो सिग्नेचर ब्रिज है ना ले रखी है उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, इतनी भीड़ मतलब यार पूछो मत। तो अब सीन ये होगा कि कुछ समय बाद वहाँ पे पान की पिचकारी लगी हुई मिलेगी, पान की पिचकारी के थ्रू ग्रेफिटी बना देंगे इंडिया के लोग सिग्नेचर ब्रिज पे, क्योंकि ये टैलेंट है दिल्ली वालों में स्पेशली दिल्ली वालों में, इंडिया वालों का टैलेंट है यार। भाई जब कोई ऑफेंड मत हो ना, वो है ऑफेंड क्या, पिचकारी मारने वाले ऑफेंड हो भाई, पिचकारी मारने वाले ऑफेंड हो, ऑफेंड हो पिचकारी मारने वाले ऑफेंड हो, लेकिन जो नहीं मारता इंडियंस के बारे में नहीं बोल, मतलब जो पिचकारी मारते उनकी बात की गई है, इंडियंस नहीं। हाँ तो ऐसे तिरछी पिचकारी ऐसे मारते हैं चला चला के, पुचुक पुचुक करके, एक गाल ऐसे पिचका लेंगे, एक गाल लेंगे पूरा फुला, और ऐसी जाएगी ऐसे ना। अभी इसको सब लोग यहाँ पे मतलब आ रहे घूमने फिरने, दिल्ली में एक जानी मानी जगह हो गई अभी सिग्नेचर ब्रिज पे घूमने जाएंगे, और यहाँ पे कुछ समय बाद रेडियां लगने लग जाएगी बुल्तानी मोट कचौड़ी की, जो हम भी रुक रुक के खाएंगे कभी ना कभी, आएंगे यहाँ से वापस तक। और ऐसे तो चीरेबाज आ रखे थे ना, ऑटो की छत पे कौन चढ़ता है भाई, ऑटो की छत पे 3 बंदे बैठे थे और नीचे खड़े थे वो अलग, ऑटो की छत पे बैठे हुए थे, आई मीन लाइक व्हाट द फक मी। बाकी तरह कुछ थे ही, कुछ सभ्य लोग भी होते हैं आते हैं फोटो खिंचाने, हाँ भी अच्छी बात है, लेकिन ऑटो की छत पे कौन बैठता है भैया। अभी एक चीज है, लेकिन इस पे लोग रुक रुक के इस रोड को धीरे 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 भरते जाएंगे, और ये इस पे भी जाम लगना शुरू हो जाएगा। So guys, we are done with the trip. Today's trip. आज की trip. घर आ गए। 10:02 हुई है, 2 मिनट हमें गाड़ी पार्क करी हो चुकी है। हम exactly 10 बजे पहुंचे थे। तो जो हमारा टाइम था वो एकदम परफेक्ट हमने assumption किया था।
10 बजे पहुंच जाएंगे, पहुंच गए, बहुत बढ़िया रहा हमारा आते वक्त रास्ता। अब नींद आ रही यार, अब थकान सी लग रही है, लेकिन 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 मैं पबजी खेलूंगा, मैं भी पबजी खेलूंगा। राइट आफ्टर 2 डेज हम दोबारा निकलने वाले हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। अब देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फैला दो, फैला दो, आपकी तरफ फैला दो। So guys, thank you for watching this video or like, share, subscribe or don't forget to share with your friends and stay tuned for the next one. Ta-da.